अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्कीज़ कुकिंग चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बिरयानी सिखाने वाली हूँ। ये आप स्टेप बाय स्टेप इस बिरयानी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसका टेस्ट बेहद 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 मज़ेदार है। आप इस बिरयानी को ट्राई करेंगे तो ज़रूर रेस्टोरेंट को आप भूलने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1.5 kg चिकन है। चिकन आप देख सकते हैं, चिकन की सारी बोटियाँ मेरी बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि बिरयानी जब आप किसी को भी मेहमान को सर्व करें बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखें। ठीक है, यहाँ पर स्पाइसेस देख लें। 3 teaspoon रेड चिली पाउडर है, 1.5 teaspoon हल्दी पाउडर है और 1.5 teaspoon मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। ठीक है, ये 3 स्पाइसेस अभी मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिन्हें अच्छी तरह से ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है और इसमें अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। देखें, ग्रीन चिली पेस्ट से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो आपने ज़रूर ऐड करने हैं। साथ में मैं इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 अदद से 3 अदद जो है वो रेड रेड वाले टमाटर लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके मैंने ब्लेंड कर लिया है। एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है ये यहाँ पर मैंने मैरिनेट किया है। अब इसमें कुछ चीज़ें बाकी वो मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट बाकी है, 1.5 teaspoon मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर आप कम सॉल्ट खाना पसंद करते हैं तो आप कम डालें। वैसे सॉल्ट जो है वो नॉर्मल यूज़ किया करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डॉक्टर जब भी ज़िंदगी में आपने अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो अपने ज़िंदगी में एक आपने सॉल्ट और दूसरा आपने शुगर, इनकी क्वान्टिटी जो है वो कम रखें, फिर आप डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 5 teaspoon जो है वो कोरमा मसाला पाउडर ऐड किया है। मैंने शान वालों का कोरमा मसाला पाउडर लिया था। अगर आप चाहते हैं तो आप नेशनल वालों का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, जो चाहें वो यूज़ करें। यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है 1/2 गड्डी और पुदीना 1/2 गड्डी आपने हरा धनिया इसमें ऐड करना है और 1/2 गड्डी पुदीना आपने इसमें ऐड करना है, ताकि एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है वो यहाँ पर मैरिनेशन के लिए रेडी हो जाए। आपने जो है इसे मैरिनेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब आपने क्या करना है, फ्राई पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे, तेल इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 से 2 कप, मीडियम कप के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 कप ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने 8 medium size के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट किया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। आपने ज़्यादा डार्क वाला ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मल शेड पे आपने इसे ब्राउन करना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल कुरकुरेदार आपने, और आधा प्याज आपने जो है वो ये मैरिनेट हुए हुए चिकन में ऐड कर देना है और आधा प्याज आपने रहने देना है। ठीक है, आधा प्याज आपने रहने देना है थोड़ा सा, और बाकी इसमें आप ऐड कर दें। इसे मैं अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी तमाम चिकन में। उसके बाद मैं इसमें एसेंस ऐड कर रही हूँ, बिरयानी एसेंस 1 cap मैंने इसमें बिरयानी एसेंस ऐड किया है। और इसके बाद जो है मैं इसे 1 घंटे मैरिनेट करूँगी। 1 घंटे का टाइम जो है वो गुजर गया है। उसके बाद मैंने देगची ली है और देगची मैंने पहले वो फ्राई पैन वाला ऑयल इसमें ऐड किया है, जिससे मैंने प्याज को ब्राउन किया था, और उसके बाद जो है मैंने मैरिनेट हुए हुए तमाम चिकन को इसमें ऐड करना है। ठीक है, ऑयल को अच्छी तरह से आपने पहले गर्म करना है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। और जिसमें मैंने मैरिनेट किया था, जिस बाउल में, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने खंगाल के इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से 20 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखें,
इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। मज़ेदार सा कोरमा जो है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। आपको पता है चिकन तो ऐसी हवा लगते ही गल जाती है, इसमें आपने कोई मेहनत करनी इतनी होती नहीं है। बीफ अगर होता है या मटन होता है तो उसमें थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लगता है, बाकी मेहनत तो उसमें भी नहीं है। मसाले यही आपके जाएंगे, सिर्फ वो टेंडराइजिंग में टाइम लेगा। अगर आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे, और अगर आप कुकर का इस्तेमाल नहीं करते मेरी तरह तो आपके जो हैं वो 1 घंटे लगने वाले हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने चावल को भिगोया है। आप यकीन करें मेरे पास 1 किलो चावल है और मैंने 1.5 किलो के करीब जो है वो चिकन लिया है। हमेशा याद रखिएगा, बिरयानी आपने जब भी अच्छी बनानी है, प्यारी बिरयानी बनानी है, मज़ेदार वाली बिरयानी बनानी है, तो चावल का रेशो आपने कम रखना है और चिकन का रेशो आपने ज़्यादा रखना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तब आपकी बिरयानी जाके एक ही बार में यम 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 बनेगी बिल्कुल। यहाँ पर मैंने आधी देगची पानी ली है, इसमें मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, दालचीनी के टुकड़े मैंने 2 से 3 इसमें ऐड किए हैं और 3 से 4 लौंग ऐड किए हैं। यहाँ पे 1/2 गड्डी मैंने हरा धनिया इसमें ऐड किया है और 5 से 6 हरी मिर्च। सॉल्ट मैं ऐड करूँगी, सॉल्ट यहाँ पर मेरे पास मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 5 टीस्पून, 4 to 5 टीस्पून आपने सॉल्ट इसमें ऐड कर देना है। इतना ज़्यादा सॉल्ट मैं क्यों डाल रही हूँ, अगर मैं 5 टीस्पून डाल रही हूँ तो वो आधा सॉल्ट जो है वो निकल चला जाता है पानी के साथ और आधा सॉल्ट जो है वो चावल में रहता है। तो 2.5 टीस्पून आपके चावल में रहेंगे, बाकी 2.5 टीस्पून जो है वो चले जाने वाले हैं। वैसे मैंने 4 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है बहुत अच्छी तरह, उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने। चावल को आपने पहले बहुत अच्छी तरह भिगोना है, सही है, चावल को अच्छी तरह से साफ़ करना है, बहुत अच्छी तरह भिगोना है, फिर आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, चावल को जब आप अच्छी तरह से भिगोते हैं तकरीबन 1 घंटा, उसके बाद जो है आप डालते हैं तो उसका टेक्सचर ही डिफरेंट सा आ रहा होता है। ये देखें 90% आपने चावलों को अच्छी तरह कुक करना है, 90% आप चावल को कुक करेंगे। 90% चावल यहाँ पे कुक हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 90% चावल कुक हो चुके हैं। बस अब आपने इसे ड्रेन आउट कर देना है। आपने सेपरेटली इसे छान लेना है ताकि तमाम पानी जो है वो चावल में से खुश्क हो जाए। उसके बाद अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तमाम कोरमे को मैंने बड़ी सी देगची में डाल दिया है, इसे मैं फैला लूँगी चारों साइड से। चावल डालें, तमाम चावल अब आपने इसके ऊपर से डालने हैं, ये देखें। उसके बाद जो मसाले थोड़े से मैंने बचा लिए थे वो इसके ऊपर आपने डाल देना है। 4 से 5 टीस्पून कोरमे मसाला मैंने उस टाइम डाला था, 1.5 टीस्पून मैंने बचा लिया था, अब मैं इसके ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ। और मज़ीद आपने चावल ऊपर से बिछा देना है। ये देखें तमाम के तमाम चावल जो हैं वो बिछ चुके हैं। इसके ऊपर से जो है मैं बचा कुछ हरा धनिया वगैरह स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि कुछ भी जो है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है, पानी में जो है वो मैंने कलर ऐड किया है, फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर आपने ऐड करना है तकरीबन 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर जो है मैं डाल देती हूँ। ये देखें मज़ेदार से मैंने जो है वो कलर इस पर डाल दिया है, और अब मैं इसे ढककर जो है वो 15 मिनट्स का जो है वो दम लगाऊंगी बिल्कुल धीमे आंच पे। आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम लगाना है।
बहुत ही मज़ेदार तरीके से झटपट जो है वो बिरयानी रेडी हो जाती है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सारी चीज़ें आपके घर पे ही मौजूद हैं, बस जाएं फ़ौरन से निकालें और ये मज़ेदार से बिरयानी रेडी कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, इसका फ़ाइनल लुक। आए है मज़ेदार, इसका धुआँ निकल रहा है, ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी। हाँ, मैंने इसमें तेल डालना जो है ना वो मैं भूल गई थी, आपने ऊपर से इस तरह से ऑयलिंग भी करनी है। दम लगाने के 5 मिनट रह गए थे तो मुझे याद आया था, तो मैंने दोबारा इसमें जो है वो तेल ऊपर से डाल दिया ताकि जो है ये शाइनी शाइनी लगे। तो 5 मिनट बाकी थे, ठीक है। तो अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये देखें मज़ेदार लज्जत भरी बिरयानी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आप इसे अपने घर पे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपने गैदरिंग वाली पार्टी करनी है जिसमें आप लोग सब एक एक डिश बनाते हैं, आप उसमें ये बिरयानी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को इस बिरयानी को खाने के बाद। मुझे वो ज़रूर दुआएँ देने वाले हैं और जब मुझे वो दुआएँ देंगे तो आपको तो तारीफ़ ऐसे भी मिलेगी। तो बस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ मैंने बनाए थे दही वाले सलाद, बारीक बारीक मैंने खीरे और प्याज जो है वो कट किया था, हरी मिर्चें कट की थी। बस ये मज़ेदार सा सैलड जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब आप इसे नोश फरमाएँ मज़ेदार से सलाद के साथ। और ये बिरयानी बेहद मज़े की थी, सच बता रही हूँ मैं, आई स्वेयर ये इतनी मज़े की बिरयानी थी और इतने दिनों के बाद भी मैंने खाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मेरे घर पर भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी होस्ट